जम्मू कश्मीर के तंगधार में शहीद हुए राजेंद्र सिंह गुर्जर रविवार को दुनिया से विदा होकर भी देशभक्ति का तूफान लोगों के दिलों में भर गए। सपूत के बलिदान ने गांव की महिलाओं में ऐसा गर्व भर दिया कि सदियों पुरानी परंपरा की बेड़ियां तोड़ पहली बार गांव की महिलाएं अंतिम यात्रा में निकली और अंत्येष्टि स्थल पर दाह संस्कार में मौजूद रहीं। सेना की 21 राजपूताना बटालियन के जवान राजेंद्र सिंह के 10 वर्षीय भतीजे देवेंद्र सिंह ने चिता को मुखाग्नि दी। आंखों में आंसू भरे महिला पुरुष से यह देख फफक पड़े। माँ, पत्नी और बहन सहित शहीद के परिवार की कई महिलाएं बेहोश हो गईं। शनिवार को श्रीनगर से जयपुर पहुंचा शहीद राजेंद्र सिंह की पार्थिव देह रविवार सुबह उनके कठुमर के मैथना गांव के स्थित घर पहुंचा। हजारों लोग इस दौरान कठुमर से मैथना के बीच वीर सपूत की राह में पलकें बिछाए इंतजार करते मिले। हर मोड़ पर युवाओं ने सेना के वाहन को वंदे मातरम, भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राजेंद्र व तेरे परिवार का नाम रहेगा के नारे लगाए। दाश शहीद की पार्थिव देह घर के आंगन में उतरी तो मां चमेली और बीमार पत्नी पुष्पा और बहनों की चीत्कार से सन्नाटा पसर गया। घर की महिलाएं बेहोश हो गईं। गांव के लोगों ने परिवार को संभाला। दाश अंतिम क्रियाओं के बाद शहीद की अंतिम यात्रा घर से 1.5 किमी दूर उनके खेत में पहुंची। सीएम का संदेश। दाश मुख्यमंत्री की ओर से शोक संदेश लेकर पहुंचे कठुमर विधायक मंगलराम कोहली, भरतपुर सांसद बहादुर कोहली, नगर विधायक अनिता सिंह, पूर्व विधायक रमेश खींची, सेना के कर्नल, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। दाश कुपवाड़ा और अलवर से आए सेना के जवानों ने अंतिम सलामी और पूर्ण सैनिक सम्मान दिया। दाश शहीद के संतान नहीं होने के कारण उनके 10 साल के भतीजे ने चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान बेहोश होगी कई महिलाएं। दाश शहीद राजेंद्र के बलिदान ने गांव में महिलाओं देशभक्ति का ऐसा ज्वार भर दिया कि सदियों बाद ग्रामीण परंपरा को तोड़कर सैकड़ों महिलाएं अंतिम यात्रा में शामिल हो माटी के लाल को विदा करने खेत तक पहुंची। दाश परिवार, रिश्तेदार और गांव की सैकड़ों युवतियां, बालिकाएं और महिलाएं दाह संस्कार तक अंत्येष्टि स्थल पर मौजूद रहीं। दाश उन क्षणों में पिता जगराम गुर्जर, मां चमेली देवी, पत्नी पुष्पा, भाई वीरेंद्र सिंह और हरगोपाल सिंह व बहन पार्वती की तबीयत बिगड़ गई। लाडले राजेंद्र को याद कर सुध बुधवार खो बैठे। शहीद राजेंद्र पर पूरे देश को गर्व। सीएम दश मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शहीद के परिवार के नाम भेजे संवेदना पत्र में लिखा कि राजेंद्र सिंह ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उन पर सभी देशवासियों को गर्व है। मैं ईश्वर से शहीद की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। देर रात अलवर पहुंचा शव। राह में लोगों ने फूल बिछाए। दाश शहीद राजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार देर रात जयपुर से सेना के वाहन में अलवर स्थित मिलिट्री एरिया पहुंचा। रविवार प्रातः 8 बजे मैथना के उनके पार्थिव देह मैथना रवाना की गई।